नमस्कार, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के ब्लॉक बगरा में मतगणना एजेंटों का कोरोना टेस्ट। आज ब्लॉक बगरा मुजफ्फरनगर में मतगणना एजेंटों का कोरोना टेस्ट हो रहा है, जिसमें भारी भीड़ जमा है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि 24 तारीख को टेस्ट किया था मगर अभी तक उनकी रिपोर्ट नहीं आई। जिनका आज टेस्ट हो रहा है उनकी रिपोर्ट कब आएगी पता नहीं। अब हमने बीडीओ बगरा से बात करना चाहा तो वह अपने कमरे से गायब थे और जो कर्मचारी वहां मौजूद थे वह कुछ भी बताने से कतराते हुए नजर आए। ब्लॉक बगरा मुजफ्फरनगर से स्टेट प्रभारी सैयद हादी हसन नकवी की रिपोर्ट। ये देखिए, यहाँ मैं ब्लॉक बगरा में हूँ और यहाँ ये सर क्या टेस्ट हो रहा है, कोरोना क्या हो रहा है, ये किस लिए सर आप बताओ। हाँ हाँ, मुँह थोड़ा सा मुँह ढाँक लीजिए, थोड़ा मुँह ढाँप लीजिए। किस लिए आए? कोरोना टेस्ट के लिए। फ्री में हो रहा है या पैसे लिए जा रहे हैं? फ्री में हो रहा है। आप इस टेस्ट से संतुष्ट हो जाएंगे? सरकार जो करा रही संतुष्ट है जी, हम तो और क्या। अच्छा अच्छा अच्छा, आप लोग सब कोरोना टेस्ट के लिए आए हैं? आप एजेंट बनने के लिए आए हैं या किसके लिए आए? अच्छा अच्छा, तो आज तो फॉर्म भरे जाएंगे, कल एजेंट बना जाएगा, फिर कल फिर आएंगे आप लोग। हाँ वही, 2 मई से पहले। ये देखिए सर आप देखिए, ये तो लाइन लगी हुई है सर, मिले खड़े हैं, थोड़ा सा आप डिस्टेंसिंग नहीं बनाएंगे? ऐसा क्यों कर रहे हैं? कोई हटाने की कोशिश नहीं, आप इनको थोड़ा डिस्टेंसिंग तो करना चाहिए। इस तरह मिले खड़े हुए हैं, ये तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ये देखिए ब्लॉक बगरा, और यहाँ कोरोना टेस्ट के लिए सब आए हुए हैं गाँव से लोग, और डिस्टेंसिंग की बिल्कुल धज्जियाँ उड़ी हुई है। पुलिस के 2 सिपाही बिचारे हैं, वो क्या करेंगे? 2 सिपाही कॉन्स्टेबल यहाँ मौजूद हैं। ये देखिए मैं अंदर का आपको दिखाता हूँ, ब्लॉक बगरा हॉस्पिटल, और यहाँ पर कोरोना टेस्ट के लिए लंबी लाइन लगी हुई, और दो डॉक्टर यहाँ पर रिपोर्ट बना रहे हैं। सैयद हादी हसन नकवी, एक्सप्रेस न्यूज, मुजफ्फरनगर। ओके, थैंक यू। अच्छा अच्छा, आपका नाम बताइए। अभय सिंह, गांव पिपरेडा, जिला मुजफ्फरनगर जी। हम लोग से हैं और हमने 24 तारीख में कोरोना की रिपोर्ट करवाई थी। अब तक हमारी क्या नाम ऑनलाइन कोई रिपोर्ट नहीं आई, पेंडिंग हमारी। इन्होंने रिपोर्ट कब बताई थी? ऑनलाइन आएगी कि आपके हाथ में देंगे? 12 घंटे में रिजल्ट आ जाएगा। आ जाएगा, वो किसने बताया था? यहाँ पे जो काउंटर पे बैठे हुए भैया है, जिन्होंने टेस्टिंग की, इन्होंने बताया था। आपको कितने घंटे हो गए? 24 तारीख से ले लो, लगभग 24 तारीख से आज तक आपकी रिपोर्ट नहीं आई। कितने लोग हैं ऐसे जिनके 24 तारीख में टेस्ट हुआ था? और क्या बताया था सर? आप किस गांव से आए? पिपलहेड़ा जी। आपका शुभ नाम बताइए, नाम बताइए। राम कुमार। आपका? मेरा नाम मुरसलीन है जी, मैंने अभी 8 दिन पहले करवाए थे, मेरा अब तक ना कोई मैसेज ना कुछ। ये क्या जवाब देते हैं, क्या जवाब कर रहे हैं? यहाँ पे हमारे कोई रास्ता नहीं लग रहा है, अपने मर्जी का मुँह देख कर रहे हैं, जिसका मुँह देख कर रहे हैं। यही थे जो आपको बता रहे थे? अच्छा, इनसे जरा इधर भी कर रहे हैं, इधर भी कर रहे हैं, मुँह देख कर रहे हैं, जिस तरह भी कर रहे हैं, अपनी मर्जी कर रहे हैं। मैंने एक तारीख करवाई थी, चुनाव आयोग के आदेश है सर, आप जवाब दीजिए, 24 तारीख में जो टेस्ट हुआ था उनकी रिपोर्ट क्यों नहीं आई अभी तक? भाई साहब, इनसे जवाब तो लेना हमारा फरीजा है यार, चुप रहो। हाँ भाई, लोगों का शिकायत है कि आपने 24 तारीख में टेस्ट किया था और उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई, इसमें आपका क्या कहना है सर? चेहरा तो उठाइए भाई, आप जवाब नहीं दे रहे हैं कुछ। ये देखिए, तमाम दर्शकों को मैं दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर कोई भी जवाब नहीं मिल रहा है। 24 तारीख में टेस्ट किया गया था, आज तक कोई रिपोर्ट नहीं है। आज वाले जो टेस्ट कर रहे हैं उनकी रिपोर्ट कब आएगी, ये भगवान भरोसे हैं, और ये लोग जवाब देने के लिए तैयार नहीं है जी। सही, बस ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। आज अभी अभी आ रहा है लाइव।